हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर के एक व्यक्ति को कोरोना की पुष्टि होने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यह व्यक्ति खुर्जा का मूल निवासी है। फिलहाल मेरठ के अस्पताल में इस व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। खुर्जा निवासी यह व्यक्ति महाराष्ट्र के अमरावती से मेरठ अपने ससुराल किसी काम से आया था। तबीयत खराब होने पर जांच कराई गई तो खुर्जा के रहने वाले इस 50 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिले में यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि यह व्यक्ति खुर्जा में किसी के संपर्क में आया था या नहीं। इसी के संदर्भ में आज मेडिकल टीम व पुलिस प्रशासन खुर्जा में स्थित कोरोना पीड़ित के घर पहुंची और जांच कराई गई। DMO ब्रजेश कुमार द्वारा की गई जांच में पता चला कि वह व्यक्ति खुर्जा का मूल निवासी जरूर है, लेकिन वह महाराष्ट्र के अमरावती से सीधा मेरठ पहुंचा था। एक्चुअली कल शाम को एक सूचना हम लोगों को मेरठ से मिली थी कि खुर्जा के मिस्टर इकलारु हसन उर्फ चुन्नू हैं जो वहां पर पॉजिटिव हुए हैं कोरोना के लिए, तो उसकी तहकीकात के लिए हम लोग यहां आए थे कि वो वाकई यहां से हैं या सीधे मेरठ से हैं। तो यहां पर हम लोग नायब तहसीलदार, चेयरमैन साहब और सारा पुलिस प्रशासन के साथ हम लोगों ने उनके घर की विजिट की है, और विजिट करने पे उनकी जो सिस्टर यहाँ पर रहती हैं उनसे सारी तहकीकात की है। तहकीकात के बाद ये मालूम हुआ है कि वो अमरावती महाराष्ट्र से सीधे मेरठ आए थे और मेरठ में अपने ससुराल में ही रुके हुए थे। उन अपनी सास को शायद देखने वो वहाँ पर आए थे। खुर्जा में वो बिल्कुल नहीं आए हैं, और यहाँ जो उनका खुर्जा में परिवार रहता है, सिस्टर हैं उनकी, उनके तीन बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं और उनके ऊपर तीन लोग और रहते हैं। आठों लोगों में से उनसे ना कोई वहाँ मिलने गया ना वो मिलने आए हैं यहाँ पर, ऐसा उनके परिवार ने हम लोगों को बताया है। काफ़ी गहन तहकीकात के बाद भी उन्होंने यही स्पष्ट किया है कि हम बिल्कुल सही बता रहे हैं और वहाँ पर कोई हमसे मिलने नहीं आए, वहाँ मिलने गए। तो किस तरह की कार्रवाई? फिर भी एहतियात के तौर पे हमने उनको घर में क्वारंटाइन किया, पूरे परिवार को, आठों लोगों को 14 दिन के लिए, और उन्हें सलाह दी है कि वो घर से ना निकलें, और मोहल्ले पड़ोस वालों के लिए अनाउंस भी मस्जिद से करा रहे हैं कि वो उनसे मिलने ना जाएं। जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई और मेरठ में ही उस 50 वर्षीय व्यक्ति को एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। मेडिकल टीम ने सावधानी बरतते हुए पूरा इलाका सैनिटाइज किया है, जबकि घर में रह रहे 8 लोगों को भी सुरक्षा हेतु 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन के लिए रखा गया है। पूरे परिवार की मॉनिटरिंग घर से ही की जाएगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। बुलंदशहर के खुर्जा के निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति में जब से कोरोना की पुष्टि हुई है, इलाके में हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी का माहौल है। इसी को लेकर ज़िला प्रशासन की मेडिकल टीम और सैनिटाइज करने के लिए, पूरा इलाका सैनिटाइज करने के लिए टीम वहां पहुंची, जांच की गई। जांच में ये पता चला कि वह व्यक्ति महाराष्ट्र के अमरावती में फ़िलहाल रह रहा था करीब 2 साल से, और जबकि वो मेरठ अपने किसी काम से आया हुआ था, जहाँ उसकी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने के बाद उसको मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजा गया, जहां उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से ही खुर्जा में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला बुलंदशहर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरी टीम उसके घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। परिवार के 8 लोगों को होम आइसोलेशन के लिए 14 दिन तक घर में ही रखा गया है, और घर से ही उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो ज़िला प्रशासन का कहना है कि वह व्यक्ति खुर्जा नहीं आया था, महाराष्ट्र के अमरावती से वो पुणे होता हुआ मेरठ पहुंचा, जहां उसकी तबीयत ख़राब हुई, और वहीं उसको अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया था, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। खुर्जा में भी एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि वह व्यक्ति खुर्जा में किसी के संपर्क में आया था कि नहीं आया था। ज़िला प्रशासन की ओर से, मेडिकल टीम की ओर से ये दावा किया गया है कि वह व्यक्ति खुर्जा नहीं आया था बल्कि महाराष्ट्र से सीधा मेरठ गया था। फिलहाल
इलाके को सैनिटाइज कराकर जांच की गई है। बाकी की रिपोर्ट उसके बाद जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि परिवार में कोई उसका संक्रमित तो नहीं है इस वायरस से। बुलंदशहर से हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।